ಜಾತ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಜಾತ್ರೆ ತಂಗೈಗೋ ತಕ ಹಾಕಿ अब अगली बार आएंगे गाँव देख लिया बहुत ऐसी था टोरना। तो दोस्तों इस बार हमारा सफर सिर्फ सीपू गांव तक ही है। हमारे जो नज़दीकी रिलेशन है उसमें दुखद समाचार प्राप्त हुआ हमको, तो इसलिए हम जा रहे हैं। पर गांव वाकई में बहुत बहुत अच्छा है, मुझे तो सही लगा है। घर घर पानी है, घर घर पानी है, पानी आ भी रहा है यहाँ। यार क्या पता है यार, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं अपना सफ़र पूरा नहीं कर पाया, पर जब भी आऊँगा दोबारा आना चाहेंगे तो आचरीताल जरूर जाऊँगा मैं, चाहे सोलो ट्रिप हो चाहे कपल ट्रिप हो। सोलो तो नहीं जाने दूंगी मैं। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। आएगी? ठीक है, हम लोग घोड़े का इंतजार कर रहे हैं और घोड़ा अभी तक आया नहीं है। अभी मैं ही कह रहा हूँ ना, सामान हम खुद ही उठा लेते हैं, चलते हैं। नेवर। वो घोड़े वाले यहाँ बीच सेंटर में आए, वो दिखाई दे रहे हैं। और आचरीताल जाने का रास्ता यहीं से है, नदी के थ्रू ही जाना पड़ता है। हाँ घोड़े वाले आ गए हैं काफ़ी देर बाद, और इसमें डालेंगे हम अपना सामान। सामान घोड़े वाले के पास डाल दिया है, अब चल रहे हैं हम। यह है मेरे पीछे का नज़ारा, कितना सुंदर है। नेक्स्ट टाइम आचरीताल जरूरी है। मैंने गूगल मैप में देखा था, और मैंने मैप भी डाउनलोड किया था कि उस मैप से मैं वहाँ तक जाऊँ, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो कहीं हम तिब्बत ना निकल जाए वहाँ से। ऐसा हो सकता है हम चाइना बॉर्डर में पहुँच जाए, नो चाइना बॉर्डर, तिब्बत बॉर्डर में पहुँच जाए, सॉरी, मैं चाइना को मानता ही नहीं हूँ उस बॉर्डर में। मैं एक बार और निहालूं सीपू गांव को, कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है यार वहाँ पे। क्या नज़ारा है यार, ऊपर से सूरज की किरणें मंदिर की ओर पड़ते हुए। क्या नज़ारा है यार आगे का, ये हमारा बैड लगता है या गुड लगता है पता नहीं। धूप भी बहुत तेज़ हो गई है, अब बहुत तेज़ धूप लग रही है। ये मेरे पीछे जो गजबी धूप लगी है, आसमान साफ है, उतना तो साफ नहीं पर साफ है, फिर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। आज बिल्कुल ठंडी हवा नहीं चल रही है। अरे यार एक गाना गाने का मन कर रहा है यार, सुनाता हूँ एक गाना। मिलते मिलते हंसी वादियों में, मिलते मिलते हंसी वादियों में, दिल खो गया तो क्या करोगे। शुक्र है मैं बीबी के बगल में नहीं गा रहा हूँ। डर के आगे जीत है। ये तो कान पकड़ लीजिए,
यहाँ भी सुनने वाला कोई नहीं है, आप तो शायद सुनी लो मिले, मजबूरी है नहीं तो स्किप कर देना। अरे एक बार रंग गाने को थोड़ा मैं कन्वर्ट कर दूँ, मेरा फेवरेट का रंग गाना है वो। बंद करो हाथ जोड़ के, जरा सुनाता हूँ। खूबसूरती खोला गल को पानी पानी मा मिस भयो फिर से गाते हैं भाई। खोला गल को पानी पानी मा मिस भयो झुंज रैली मा हो झुंज रैली मा हो सुरती खोला गल को पानी देखो हमारे यहाँ लकड़ी ऐसे इकट्ठा की जाती है, जंगल से जंगल लेने आते हैं, ये नीचे लंबे लगा रखा है, भेड़ के खाल का है वो, नीचे टूटा होगा ना। लकड़ी वाली शर्मा की चली गई, जरूरी है लकड़ी वाली हो, लकड़ी वाला भी तो हो सकता है, ढूंढी होगी ना ऊपर, जैसे ये है ना वो लकड़ी वाली। यार अभी अभी तेज धूप था और अब बहुत ठंडी हवा चल रही है, अभी यहाँ कुछ मिनटों में मौसम चेंज हो जा रहा है। जो सामने गांव बीच सेंटर में जो गांव दिखाई दे रहा है वो तीदंग गांव है, वो तीदंग गांव पहले कभी यहाँ हुआ करता था, यहाँ पर कभी 100 परिवार रहते थे और हाँ काफ़ी साल पहले, और यहाँ पर ये लैंडस्लाइड की वजह से पूरा गांव दब गया, तो उसके बाद वो लोग पहले गए यहाँ बसने लगे, यहाँ रहते रहे, वहाँ सब खेती करते रहे। हाँ ये घटना करीब 100 साल पहले, करीब 100 साल पहले की बात है। एक आदमी तो कह रहा था कि यहाँ पर आज भी बर्तन बाटो बर्तन सब मिलते हैं। पहुँच गए असली यात्री, मामा का पूरा पहाड़ ला गया, संजीवनी बूटी। तो वापस पहुँच गए हम उसी दिदांग पुल में। अब मौसम बहुत ख़राब हो गया है यार, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। अरे बीच में कैसे बना रखा है घट है। लगता है अंदर यूज कर रहा है कोई। अब आपको दिखाई दे रहा होगा देखो टरबाइन पानी से कैसे घूमता है। तो यहाँ से आटा काफ़ी चीज़ें मतलब चावल ये सब पीसते हैं यहाँ पे, और इसको पानी यहाँ से दिया गया है, यह है पाइप, ये पानी को यहाँ से डाइवर्ट किया है और ये उधर का पानी ले गया है। जब पंचक्की चलाना होगा तो इसको हटा देते हैं। यहाँ से हिम क्षेत्र में ऐसे ही पाइपलाइन की व्यवस्था होती है। खेती खा रहे इतना कीड़ा भी है, देखिए खेती नष्ट कर, ये कीड़ा हमको बहुत मिला है यार, ये पूरा गांव में फैला हुआ है। क्यों क्या हुआ पता नहीं, फिर किस कारण हुआ सैंपल तो ले गए यहाँ से हमारे गांव से, दो साल मूली जो है जो फसल अभी उगाई नहीं है, बिल्कुल नष्ट कर दिया है, पूरा खेत नष्ट कर दिया, पूरा खेत नष्ट, पल्दी का दो पत्ती आ रहा है वो खा के नष्ट है, पल्दी उगी नहीं रहा। यार अभी हमको पता चला कि यहाँ पे जो हमको कैंपे में छोटे छोटे कीड़े मिले थे वो कीड़ा पूरे धर्मा वैली में फैला हुआ है, पत्ती खाने वाला है ना, और ये पत्ती खाने वाले कीड़े हैं और इससे इसने यहाँ के पूरे फसलों को नष्ट कर दिया है। ये कीड़ा मैं भी आपको दिखाऊंगा, पूरे जगह में फैला हुआ है यार ये कीड़ा, ये ऐसा कीड़ा पूरे धर्मा वैली में फैला हुआ है ये कीड़ा। हमें जो रास्ते में जो डोका मिला था वो आपका था वो तो डोका वहाँ क्या कर रहा है मेरा बस ही रखा होगा सब, डोका इंतजार कर रहा है वहाँ, ये है वो ये शर्मा के यहाँ बाकी आ गए, वो डोका इंतजार कर रहा है। यहाँ हम सब गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, इसको नींद आ रही है, इस पागल को मैंने जितना मुझे सोती रहती है काम तो करती हूँ। यहाँ पे जसलेमा का मूर्ति का अनावरण किया गया है, पिछली बार ये बीच में था यार।
पिताजी जो है परपोत्र है। अच्छा, अभी मेरी बुक आने वाली न्योला पंचाचुली, उसमें आपको धर्म लुमा की संक्षिप्त जानकारी मिलेगा। 28 चैप्टर है। और जसरी लीला के जो एक पुत्र थे, तो बेचारे यंगेस्ट एज में मर गए। उनके बाद जो है पति तो बेचारे पहले मर गए थे, फिर उसके बाद यंगेस्ट पुत्र भी मर गए, उसके बाद बेचारे आगे बढ़ गए। उसके बाद मेरे जो है पिताजी के बुबू को उत्तराधिकारी वारिस चयन किया, उन्हीं के बच्चों में से हम उनके उत्तराधिकारी। इस चीज की जानकारी जो है होनी चाहिए। और उनका अंडे अमा जसूरी का जो 100% अचल संपत्ति, उसके वारिस उत्तराधिकारी हम हैं। और चल संपत्ति जो उन्होंने जो है जितने भी अर्जित संपत्ति थी, उसका 99% जो है अर्जित संपत्ति को हेनरी रैमजे को दान कर दिया था जो उत्तराखंड में जो है समाज सेवा के लिए। 99% अर्जित प्रॉपर्टी के साथ साथ उनके जो है एक्स्ट्रा जेवरात, ये बात है। अच्छा, बाकी जो जानकारी जो है आपको फिर लेना है तो मेरी जो है न्योला पंचाचुली बुक निकलने वाली है। कब तक आएगी बुक? उस बुक तो तैयार है, अभी सॉफ्ट कॉपी है। अभी मैं जो है सुझाव जानना चाह रहा हूँ, मूर्ति जो है अमा जसूली के जो है परपोत पुत्री पुत्र परपोत पुत्री के जो है उनके उनके वंशजों ने नैन सिंह बोनाल हर सिंह बोनाल जी ने स्थापित किया है। पोते हाँ नहीं, डीआरसी पाल ने बनाया। और जो है इसका जो है जो भी इन्वेस्टमेंट आया वो जो नैनसी बोनाल और फलसी बोनाल जी ने स्थापित किया। अच्छा, मैंने एक चीज सुना था कि दातु में एक महल का अवशेष भी है। महल का किला अवशेष, किंग ऑफ धर्मावली, किंग ऑफ चरका चरका किंग ऑफ धर्मावली चरका चरका कहाँ पर है? ये जो है ये टापू है ना, ये ग्रीनी ऊपर टॉप में, उसी की आसपास में खाली ये स्टैचू जो है स्थापित करने वाली जो है ये छमे हमारी नैनसी बोनाल जी के जो है इन्होंने। अच्छा, शुक्रिया यार, मैं इधर से आया नहीं तो काफ़ी अच्छी जानकारी मिली मुझे यहाँ से। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। पूरा धर्मा वैली मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया, उसका बड़ा दुख है। पर अलविदा धर्मा, अगली बार तेरी गोद में तेरी ममता की छाव में मैं दोबारा जरूर आऊँगा। मैं जरूर कोशिश करूँगा कि मैं दोबारा आऊँ इसी के साथ। तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ यार थोड़ा बहुत कमेंट जरूर कर देना कि आपको ये कैसा लगा। और तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।